अपने अकाउंट से पैसे निकालने के लिए ज़्यादातर लोग चेक का ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि चेक से एक बड़ा अमाउंट निकाला जा सकता है। लेकिन काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिनको चेक इस्तेमाल करना नहीं आता है, वो नहीं जानते हैं कि चेक से कैसे पैसे निकाला जाता है। सो गाइस, मैं इंजीनियर राजा और मैं आपसे सजेस्ट करता हूँ कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके का नया नया वीडियोस पाइए आप रोजाना। तो आज के वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप और डिटेल्स में दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से आप चेक भरेंगे और उससे पैसे निकालेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चेक से पैसे निकालने के तीन सिचुएशन हो सकते हैं। पहला है कि आप अपने बैंक से अपने चेक से खुद कैश निकाल सकते हैं, और दूसरा है कि आपको कोई चेक दिया है तो उसको आप कैश करवा सकते हैं, और तीसरा है कि आपको कोई चेक दिया है तो आप उसको बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। पहला सिचुएशन आ जाता है आपको कि अगर आप चेकबुक से पैसा निकालना चाहते हैं तो आप कैसे निकालेंगे। सबसे पहले यहाँ पे डेट, मंथ और ईयर डालेंगे, जो भी डेट है। जैसे आज 1 मार्च है तो यहाँ पे 1/3/2021 लिखेंगे। दूसरा ऑप्शन आ जाता है यहाँ का आपको पे का, तो यहाँ पे अगर आप खुद निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे सेल्फ लिखेंगे। अगर आप किसी पर्सन को देना चाहते हैं, किसी कंपनी को देना चाहते हैं ये चेक बना के, तो वो पर्सन उस कंपनी का नाम यहाँ पे आप पूरा डिटेल में यहाँ पे डालेंगे। अगर आप खुद निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे डालेंगे सेल्फ। यहाँ पर हमको सेल्फ लिखना है इस पे में मिला के, इसको अगर आपको नीचे निकल कर नहीं लिखना है। इसके बाद इसमें कुछ इस तरीके से आपको लाइनिंग घिस देना है ताकि इसमें कोई भी और कुछ ऐड नहीं किया जा सके, तो इस तरीके से आपको इसमें लाइनिंग घिस देना है। इसके बाद हमें अगर यहाँ से कितने पैसे निकालने हैं वो डालना, जैसे हमको यहाँ पे 3 लाख रुपये निकालने हैं तो हम यहाँ पर लिख देंगे 3 लाख रुपीज़ ओनली। तो यहाँ पर आप उसको हिंदी में भी लिख सकते हैं और यहाँ पर आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पर आपको लिख देना है और यहाँ पर आपको लाइनिंग घिस देना है ताकि इसका मिस यूज ना हो सके। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे लाइनिंग घिस देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको अंकों में डाल देना है कितना पैसा निकाल रहे हैं, तो वो आपको यहाँ पे अंकों में लिख देना है। अमाउंट डालने के बाद यहाँ पे एक लाइनिंग घिस देंगे ताकि यहाँ पे इसका मिस यूज ना हो सके। चेक से आप जितना मन चाहे उतना पैसे निकाल सकते हैं, लेकिन कुछ चेक का लिमिट होती है 10 से 15 लाख रुपये होते हैं, तो वो आपको यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बैंक है जहाँ पे उसकी लिमिट बनी होती है। इसके बाद यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना है। सिग्नेचर आपको यहाँ ऊपर में करना है। कितने पर्सन होते हैं कि सिग्नेचर नीचे में कर देते हैं और उसका जो चेक है कैंसिल हो जाता है, ख़राब हो जाता है, तो आपको नीचे सिग्नेचर नहीं करना है, सिग्नेचर आपको यहाँ पर करना है इस तरीके से। और सिग्नेचर आपको वही करना है जो आपको बैंक में हो, तो वही आपको यहाँ पे सिग्नेचर करना है। यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर आ जाता है, यहाँ पे आपका जो है चेक नंबर आता है, यहाँ पे MICRO नंबर आ जाता है, यहाँ पे RBI नंबर आ जाता है, और यहाँ पे आपका ट्रांजैक्शन ID आ जाता है। अगर आपसे कोई भी पर्सन आपके चेक का नंबर मांगता है कि क्या चेक का नंबर है बताइए, तो वो चेक का नंबर आप ये बता सकते हैं 422662, ये चेक का नंबर आप उस पर्सन को बता सकते हैं। जैसे इस ब्रांच की लिमिट है 10 लाख रुपये, अगर हम किसी और बैंक से इस पैसे को निकालेंगे तब सेल्फ चेक यहाँ पे आपका रेडी है। आपको दो काम और कर लेनी है। यहाँ पीछे साइड में आपको सिग्नेचर कर लेनी है, तो बैक साइड में आप यहाँ पे दो सिग्नेचर करेंगे। अगर सामने वाला सिग्नेचर आपको अच्छी तरीके से मैच नहीं हो तो बैक वाला सिग्नेचर कीजिएगा, उससे मैच कर ले। तो इस तरीके से आपको दो सिग्नेचर कर लेनी है। अब ये चेक आपको पूरी तरीके से रेडी है। आपको बस बैंक जाना है और वहाँ पे आपको कैश काउंटर पे ये चेक दे देना है, आपको वहाँ पे कैश हो जाएगा। वहाँ पे आपको कोई फॉर्म या आपको कोई आईडी नहीं देनी होती है, जो भी फिलअप करना होता है बस आपको यहीं पे फिलअप करना होता है, और जैसे ही वहाँ पे आप कैश काउंटर पे दे दीजिएगा तो बस आपको वहाँ पे कैश मिल जाएगी। इस चेक से आप होम ब्रांच से भी पैसे निकाल सकते हैं, यानी आपका जो भी ब्रांच है जहाँ पर आप अकाउंट ओपनिंग करवाए हैं वहाँ से भी पैसे निकाल सकते हैं, और इसके अलावा जो भी स्टेट बैंक की जो ब्रांच है जहाँ भी, वहाँ जाकर भी आप इस चेक से पैसे निकाल सकते हैं। अब बात आती है कि अगर हमें कोई चेक बुक देता है तो उससे हम पैसे कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए, मेरे हाथ में यहाँ पे एक चेक है और जो हमें यहाँ 2 लाख रुपीस जो दिया है, तो इससे हम कैसे पैसे निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ मेरे नेम है, यहाँ पे डेट है, और यहाँ पे जो हमें चेक दिए हैं उसका जो यहाँ पे सिग्नेचर है, और जो अमाउंट हमको ये दिया है वो यहाँ पे देखिए शब्द में लिखा हुआ है और यहाँ पे अंक में लिखा हुआ है, और यहाँ पे देखिए बैक सारे भी उनके सिग्नेचर है। अब बात आती है कि इससे हम पैसे कैसे निकालेंगे।
अब यहाँ पे देखिए जो भी डेट यहाँ पे डल गई है इससे 3 महीने के अंदर अंदर में हम इससे पैसे निकाल सकते हैं, नहीं तो ये चेक इनवैलिड हो जाएगा, ये एक्सपायर हो जाएगा, ये चेक का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, ये चेक खराब हो जाएगा। यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे देखना है कि कोई लाइन तो नहीं लगी हुई है। यहाँ पे अगर लाइन लगी रहेगी तो आप इसको कैश नहीं करा सकते हैं, अगर ये अगर लाइन नहीं लगी हुई है तो आप इसको कैश भी करा सकते हैं। कैश लेने के लिए इसी नाम से मेरे पास आईडी होनी चाहिए और इसी नाम से हम आईडी लेंगे और इसके साथ हमको पिन करनी है, इसके साथ हमको लगानी है। इसके बाद हम उस मोबाइल नंबर लिखेंगे, अपना सिग्नेचर करेंगे आईडी पे और किसी भी ब्रांच में जाके हम बहुत ही इजीली वहां से कैश ले सकते हैं। तो इसके लिए भी हमें कोई फॉर्म फिलअप अलग से करने की ज़रूरत नहीं है, जितनी भी फॉर्मेलिटी है इस पर पहले से यहाँ पर भरी हुई है। बस इसके अलावा हमें कोई आईडी लेनी होती है जो इसी नाम से है, उस पर अपना मोबाइल नंबर और अपना सिग्नेचर करके बस इसके साथ लगानी होती है। अब बात आती है तीसरी सिचुएशन की, हमें कोई चेक देता है और यहाँ पे लाइनिंग लगी हुई है और इस तरीके से लिखा हुआ है, इस तरीके से अगर लाइन बनी हुई है तब हम इससे पैसे कैसे निकालेंगे। तो इससे पैसे निकालने के लिए आप जो भी बैंक में अकाउंट है उस बैंक में जाएंगे और वहाँ पे आपको एक फॉर्म मिलेगा, वहाँ पे लिखा रहेगा चेक बुक का ऑप्शन, वहाँ पे चेक का ऑप्शन रहेगा। जैसे फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पे चेक का ऑप्शन रहता है, कैश का ऑप्शन रहता है, तो वहाँ पे चेक वाले पे जो है आपको टिक कर देना है। तो फॉर्म में आप अपना नाम डालेंगे, अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, अपना एड्रेस डालेंगे और आपका अकाउंट नंबर है वो डालेंगे और चेक जो ऑप्शन रहेगा उस पर आपको टिक लगा देनी है। स्लिप में 2 पार्ट होती है, 2 पार्ट में एक पार्ट को आपको बैंक में देना है और 1 पार्ट को अपने पास रखना है अपने रिकॉर्ड के लिए। फॉर्म जो है आपको जो है ये वाला जो है आपको चेक है इसमें आपको अटैच करके पिन लगा के आपको वहाँ पे काउंटर पे जमा कर देने हैं, जहाँ पे कैश काउंटर जहाँ पे पैसे मिलते हैं कैश मिलते हैं वहाँ पे आपको जमा कर देनी है, बहुत ही ईजिली वहाँ पे आपको पैसे मिल जाएगा। यहाँ पे आपको कोई आईडी वगैरह लगानी नहीं होती है क्योंकि आप पैसे अकाउंट में ले रहे हैं तो अकाउंट में ऑलरेडी जितने एड्रेस है वो सभी पहले से भरी हुई रहती है, दी हुई रहती है, तो आपको अलग से कोई आईडी देने की ज़रूरत नहीं होती है। बस वो फॉर्म और ये चेक लगा के आपको कैश काउंटर पर दे देना है, आपका जो अमाउंट है आपके जो चेक पे अमाउंट है वो आपके जो खाता है वो खाते पर आपको ये अमाउंट ट्रांसफ़र कर दी जाती है। इसके अलावा और होता है कि बैंक में चेक बॉक्स बना होता है, वो चेक बॉक्स में आप अपना चेक को डाल देंगे तो बैंक वाले उसमें से आप चेक बॉक्स में से आपका चेक निकाल के आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर देते हैं। सो गाइस, आज के वीडियो में आपने जाना कि किस तरीके से हम चेक को भरेंगे और उससे पैसे निकालेंगे। सो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, अगर आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं।